have a drink? No, thank you. पीते नहीं? पीऊंगा, मगर जिंदगी में कामयाबी के कभी किसी ऊंचाई पर पहुंच लेने के बाद जरूर पीऊंगा। ओह, मैटर ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों की बात है। सुजाता बहन, तब तक के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ हाँ, चलो बेटी, चलो मेरे साथ। तो आजकल रोजी रोटी का क्या मशगला है मिस्टर इंद्रजीत? सर, इंश्योरेंस का कुछ काम है, और वैसे लक्ष्मी चिटफंड में 3 साल तक मैं एरिया मैनेजर रहा हूँ। लक्ष्मी चिटफंड के खिलाफ तो फ्रॉड का मुकदमा चला था ना, अखबारों में भी छपा था, मैंने पढ़ा था कि वो एमडी और चेयरमैन दोनों गिरफ्तार हो गए थे। यू आर करेक्ट सर, वो एमडी तो बड़ा चलता पुरजा आदमी था, फ्रॉड के सारे सबूत तो गायब कर दिए उसने, वो खुद तो बच निकला, और वो चेयरमैन बेचारा सीधा आदमी था, वो अंदर हो गया। सब नगर नारायण की करामाते हैं साहब। आप तो जानते हैं। जानता हूं, लेकिन ऐसे मामलात को मैं जायज नहीं समझता, आपका क्या ख्याल है? जायज और नाजायज की परवाह आजकल के जमाने में कौन करता है? प्रिंसिपल, उसूल, ये सब वर्ड्स हैं, कोई मायने नहीं रखते साहब। इनफैक्ट कामयाबी की ऊंचाई वही सबकी मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग लाशों पर भी पांव रखकर ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं सर। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड सर। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना साहब? साहब, मैं कुछ ज्यादा बोल गया? नहीं, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता मिस्टर इंद्रजीत कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैं आपके ख्यालात जान गया। आप जा सकते हैं। गुड बाय मिस्टर इंद्रजीत। गुड बाय सर। अरे ये क्या, कहाँ चल दिया वो लड़का? हाँ, चाय पिए बिना ही? हाँ, वो कुछ ऐसा ही हो गया। पर हुआ क्या, आपने भी उन्हें रोका नहीं? डैडी, उसे इस काबिल नहीं समझा। क्या देखा उस शख्स में तुमने, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, किरदार नहीं, बस बुलंदियों को छूने का एक जुनून है उसमें? छोरा बेअदब, हरगिज वो तुम्हारे लायक नहीं। आपको मालूम होना चाहिए डैडी, मैंने इंद्रजीत को अपने जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। वो फैसला तुमको बदलना होगा। नहीं बदल सकती मैं अपना फैसला, बदलना है तो आप अपने पुराने ख्यालात बदलिए। मैं इंद्रजीत से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, और दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। पापा, अपनी जबान को लगाम दो सोनू। बकवास बंद कर ले। बकवास नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ। पापा, अपनी राय के सिवाय आपके दिल में न किसी के लिए कोई प्यार है न परवाह। आप धनवान होंगे, बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री के मालिक होंगे, लेकिन मेरी किस्मत के मालिक आप नहीं, इंद्रजीत है, जिसे दिल से मैं अपना पति मान चुकी हूँ। खामोश। बेटा, सोनू। यार ब्रह्मदत्त, ये क्या हिमाकत है, जवान बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने? तुमने उसकी बातें सुनी? ये उसकी बात नहीं थी, उसकी उम्र का तकाजा था। अगर औलाद अपनी माँ बाप से देखते हुए अंगारे मांगे, तो क्या माँ बाप उनकी झोली में वही अंगारे भर दे? तुम उसे समझने में गलती कर रहे हो, मुझे तो वो लड़का काफी समझदार और अपनी सोनू के काबिल लगा। भाई, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अरे, मैंने सुना कि फैक्ट्री के बाहर कोई हादसा हुआ और तुम बुरी तरह घायल हो गए। घायल वायल नहीं हुआ, सर फिरे दोस्तों ने छुरियां चलाई हैं दिल पर, सर फिरे दोस्तों ने। मरा नहीं हूँ, देख रहे हो, लेकिन बचने की उम्मीद भी बिल्कुल कम है। अरे वो सलीमा तो चलेगी दामन झटक कर, लेकिन अगर तुम लोग भी चले गए तो मेरे इन आंसुओं को कौन पहुंचेगा कंबख्तो? जवाब दो। रंजिश तुम दोनों की, और साली जान मेरी निकली चली जा रही है, रातों की नींद हराम हो गई है। एक नवाला भी मुंह में गया हो तो नाउज़ बिल्ला समझो, समझो सुअर का गोश्त खाया हो। अकेला हो गया हो, एकदम अकेला। और एक बात और ध्यान में रखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो रब्बुल जब्बार की कसम, 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलोगे तुम दोनों के दोनों। तुम साले प्रेमचंद,
तुम अपने नाम की तो शर्म रखो। हा? तुम्हारा नाम तो प्रेमचंद नहीं घृणा प्रसाद या नफरत सिंह होना चाहिए था। अभी भी सारा मांस के आटे की तरह अकड़ कर बैठा हुआ है। अरे देखो तो, और तुम श्रीमान ब्रह्मदत्त जी, तुम्हारी दौलत की लालच ने तुम्हारे जिगरी दोस्त का दिल तोड़ा है। उसे जोड़ना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है। और उसी दोस्ती के चक्कर में अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने तुम दोनों को झूठ बोलकर यहां बुलाया है ताकि तुम दोनों का आपस में मनमिटाव हो जाए, मेल हो जाए। अब ये दरवाजा देख रहे हो ना, मैं इस दरवाजे से बाहर जा रहा हूं। ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा, 100 साल तक नहीं खुलेगा, जब तक तुम दोनों दोबारा अपनी दोस्ती का ऐलान ना कर दो। अच्छा पंडित जी, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। ऐ खुदा बंदे करीम, तेरी रहमत और कर्म की कोई इंतिया नहीं। अपनी शान करीमी से मेरे दोस्तों के दिलों की रंजिश को दूर कर, इनकी टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ दे मेरे अल्लाह। प्रेमजन, तुम और मुश्ताक दोनों ही समझते हो कि दौलत के लालच ने मुझे दोस्ती में गद्दारी करने पर मजबूर किया। तुम लोगों का यह ख्याल एक नश्तर की तरह मेरे सीने में पैवस्त है, और यह फांस जो मेरे अंदर है, मैं इस फांस को निकाल देना चाहता हूं। इसके लिए यह मेरी एक छोटी सी भेंट है। ये क्या है? प्रेमचंद, मेरी बेटी तो ब्याही गई है, लेकिन तुम्हारी बेटी मोहनी, उसको भी मैंने अपनी ही औलाद की तरह समझा। खोल के देखोगे तो इन कागजों पर तुम्हें मेरे दस्तखत नजर आएंगे। वो दस्तखत मैंने इसलिए किए हैं कि जो कुछ तुम समझते हो कि मैं तुमसे हासिल करना चाहता हूं, वो और उससे कहीं ज्यादा लिख लो इन कागजों पर। मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है प्रेम, कि इंसान की असली दौलत उसका सरमाया, उसकी मीरास उसके दोस्त होते हैं। ये वो चार कांधे होते हैं जिन पर कि वो अपना आखिरी सफर तय करता है। तुमसे मेरी एक ही मांग है कि जब मेरा वक्त आए और मैं यहां से जाऊं, तो दोस्ती के उस कांधे से तुम मुझे महरूम नहीं रखोगे। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामदत्त, मैंने तुम्हें शक किया दोस्त, मुझे माफ कर दो। सच कहा तुमने, एक इंसान के पास उसकी असली दौलत एक दोस्त की दोस्ती और प्यार के सिवाय कुछ नहीं। आओ दोस्त, गले मिलकर उस दोस्ती का ऐलान कर दें जिसका बाहर मुश्ताक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बुड्ढे के नाम की सुपारी है, जरा इसका आता पता तो बता। ओ माय गॉड, ये तो अपन के दत्त साहब का फोटो है। ब्रह्मदत्त, अपन के? तू जानता है इसको? अच्छी तरह से, बहुत ग्रेट मैन है बॉस। अपन के साथ जेल में था, वहां पर अपन का लाइफ भी सेव किया इसने। क्या होगा फिर बॉस? एक बात बोलू, रिक्वेस्ट बोल बॉस। ये सुपारी वापस कर दो। क्या बोला? सुपारी वापस कर दो? साला गद्दार, गैंग का असूल भूल गया क्या? आई नो, मेरे को मालूम है। तेरे को मालूम है? तेरे को मालूम है? अरे साला, एक बार किसी का सुपारी ले लिया तो उसको वापस नहीं कर सकते, चाहे वो अपने बाप की क्यों ना होने दे। पन बाप कसम, अपन तेरे को उसकी हत्या नहीं करने देगा। साला नामर्द, कसम तोड़ने का कसम खाता है? अरे साला, गैंग का असूल तोड़ने का सजा मालूम है क्या? पर से वासु तंबिया ले इसको मार। छिल्डल सलाम, छिल्डल सेंटी फोकिया खराब हो गया। अरे टोनी, ये क्या हो रहा सब? हाँ दत्ता, तुम इधर में, तुम जाओ। यू कॉल, ये लोग बहुत बहुत डेंजर आदमी है। ओहो, आज कुआ प्यासे के पास
ये तुम्हारी तस्वीर है ना दाढ़ी मेजर? राइट राइट हाँ, तुम्हें ना ढूंढना पड़ा इसीलिए मैं खुद ही आ गया। मेरे नाम की वो क्या कहते हैं उसे, सुपारी है तुम्हारे पास? ये जानते हुए भी कि मेरे पास तुम्हारे नाम की सुपारी है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे अड्डे पे आने की हिम्मत की, वैसे डर नहीं लगता क्या? ना, मौत का डर यूं भी नहीं है कि जिंदगी और मौत वैसे भी इंसान के हाथ में नहीं है। और बुरा ना मानना, तुम तो इंसान भी नहीं हो। मगर मेरी जानकारी के लिए बताओगे कि मैं इंसान नहीं तो फिर क्या हूं? एक वैशी जानवर हो तुम। मैं वैशी हूं? ये सुना क्या तुम लोगों ने? मैं वैशी हूं, मैं जानवर हूं, मैं इंसान नहीं हूं। शहर का इतना बड़ा डॉन जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है, उसे ये मेजर कहता है कि वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं, वो वैशी है, वो जानवर है। रिवॉल्वर मेरे पास भी है, गोलियां इसमें भी हैं जो तुम्हारे गर्म खून को हमेशा के लिए ठंडा कर सकती हैं। शायद तुम नहीं जानते, जिस तरह मेरे नाम की सुपारी तुम्हारे पास है, उसी तरह तुम्हारे नाम की सुपारी मेरे पास भी है। वाह, ग्रेट, मां कसम मजा आ गया। शहर का इतना बड़ा डॉन जिसका इतना बड़ा नाम है, उसके नाम की सुपारी देने वाला ये कौन पैदा हो गया? सुपारी लेने वाला हूं मैं, और सुपारी देने वाली एक औरत जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए कि उसने अपनी कोख से तुमको जन्म दिया है, वो है तुम्हारी माँ। इम्पॉसिबल, मैं लफंगा हूं, आवारा हूं। हाँ, वो मेरे काम से नफरत करती है, मगर मेरे दिल के अंदर की ज्वालामुखी को वो अच्छी तरह से जानती, जो बचपन से मेरे सीने के अंदर खोल रहा है। वो मेरे नाम की सुपारी किसी को नहीं दे सकती, नामुमकिन। पहले मैंने भी यही सोचा था, कौन मां हो सकती है जो अपनी औलाद की भलाई चाहने के बजाय उसकी अर्थी देखने की तमन्ना रखती हो, लेकिन तुमको देखने के बाद और तुम्हारी घिनावनी हरकतों को, तुम्हारा घमंड देखने के बाद मैं समझ गया। क्या समझे? खाक समझे? कुछ नहीं समझे तुम। चिल्लाओ मत, और ये भी मत भूलो कि इस वक्त हम दोनों मौत के सौदागर हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि मेरी मौत के बदले में तुम्हें मिलेंगे 5,00,000 रुपए, और तुम्हारी जिंदगी के बदले में मुझे मिलेगा एहसानों का वो बोझ जिसका कर्ज अभी मुझे चुकाना है। ओ, तो मां के एहसानों को बेटे की लाश से चुकाने का इरादा लेकर आए हो यहां? ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिंदगी की कीमत मौत, और मौत की कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। देखना यह है कि वक्त के पन्ने पर किसका नाम रहता है और किसका नाम मिटता। दम है तुम में, और मुझे दमदार आदमी पसंद है मेजर। बराबर की जंग होगी, एक अनोखी जंग, और मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारे और मेरे बीच दूसरा कोई नहीं आएगा। आमिर सर, इस खुफिया तहखाने के दीवार पर लगे उस अलार्म की तरफ देखो मेजर, वहां ऊपर। कुछ देर के बाद यह अलार्म बजेगा, और इसके बजते ही यहां पर पड़े सामान के ढेर में हम अपनी अपनी जगह चुन लेंगे, और इसके बंद होते ही हम दोनों की जंग शुरू हो जाएगी मेजर। हम दोनों के रिवॉल्वर में 6-6 गोलियां हैं, किस गोली पर किसकी मौत लिखी है इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। मेरा पहला वार।
जिंदा है तो बाहर निकल, और अगर सीने पर गोली चलाने का जिक्र नहीं तो ले तेरी तरफ पीट करके खड़ा हूं, चला गोली। अरे चलाना। गुड शॉट, मगर कैसी अक्ल है तुम्हारी, पांच गोलियां हंडे और मटके फोड़ने में लगा दी। क्या बात है बापू, अब सिर्फ एक गोली है तुम्हारे पास, एक गोली। घबराओ नहीं विजय, अब उसे एक गोली से भी तुम्हें खतरा नहीं रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में, बहादुरों की मौत मरना चाहते हो या बुजदिलों की तरह? सोच लो, डॉन के रिवॉल्वर की आखिरी गोली कहीं कायरों की मौत ना दे दे तुम्हें। तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारा कोई हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास जो ढाल है डॉन, वो तुम्हारा हर वार सह सकती है। हाँ हाँ, तो फिर छुपते क्यों हो, बाहर आओ, जरा मैं भी तो देखूं उस ढाल को जिस पर तुम्हें इतना घमंड है। बाहर आ जाओ, कर प्रवदत बाहर। ये क्या है तुम्हारे हाथों में? पहचानो, कहां से लाई? ये कहां से लाए तुम? ये तुम्हारे मां के हाथों से बनी वही ज्वार की रोटी है जिसे खिला खिला कर उसने बचपन में तुम्हें पाला। यही वो रोटी है जिसका एक टुकड़ा मांगने पर कुब्बा ने तुम्हारे पेट में गोली मार दी थी और तुम उसे हैरत से देखते रह गए। तुम्हें याद होगा, पेट के इसी ईंधन के लिए तुमने इंसानियत का रास्ता छोड़ा और दरिंदगी का रास्ता अख्तियार किया। यही रोटी बारहा तुम्हारे सामने आई और आती रहेगी, लेकिन अपने मां के हाथों की बनी हुई रोटी वो खाने का सौभाग्य फिर तुम्हें न कभी नसीब हुआ और न कभी होगा। क्यों नहीं होगा? कौन कहता है? वो मेरी मां है, उसका बेटा हूं मैं। जब चाहूं घर जाकर अपने मां की हाथों की बनी हुई रोटी खा सकता हूं मैं। चित्कार दिया है उस मां ने तुमको, चित्कार दिया उसने तुमको, तुम्हारे आलिशान घर को, तुम्हारी दौलत को। सूख गई है उसके सीने में मां की ममता अपनी औलाद के लिए। तुम उस चौखट पर कदम मत रखना, मां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हां, एक डॉन की हैसियत से तुम लोगों की जानी ले सकते हो, लेकिन एक बेटी की हैसियत से अपनी मां की चिता को आग दिखाने का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं है। मां के जज्बात को बीच में लाकर मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम, मगर वो टूटेगी नहीं। आज आज मेरी गोली तुम्हारे सीने के पार होकर रहेगी।
तो चलाओ गोली, चलाओ गोली विजय। मैं सिर्फ एक जवार की रोटी लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चलाओ गोली। कौन है कार? अब कौन है बुजदिल? मैं हूं कायर। हाँ ये सच है कि तुम्हारी ये ढाल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है।